कर रही है तो हमें भी कंपनी का उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि कंपनी मेरी और आवाज यहाँ से आती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस टाइम पर आप श्रीकांत शर्मा डॉक्टर दिनेश काचा बन जाते हैं और तब जाके कंपनी के बारे में सही रहकर। आज हम लोग काफी डिले हो चुके हैं, शेड्यूल आगे पीछे हुए हैं, इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा, बट ये कंपनी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं था, ये होटल इंडस्ट्री ये थर्ड पार्टी सर्विसेज का प्रॉब्लम था। क्लियर? आगे से ऐसा सिस्टम कुछ करेंगे कि इतनी भी तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग गोवा में गए थे उन लोगों ने अब यहाँ तकलीफ नहीं उठाई, बहुत सारी चीजें आपकी एडवांस मैनेज कर दी गई। अदर्स कंपनीज में भी आपने सुना होगा कि अभी तक बाकी कंपनीज आपको 3 दिन का पैकेज देती थी, आपको रात को कहीं रुकना है कुछ भी करना है तब भी मैनेज नहीं होता था, या तो आपको पेमेंट डालना पड़ता था। यहाँ पे कल लोग एडवांस भी आए हैं तो कंपनी ने उसे मैनेज किया है, तो एक बार जोरदार तालियां। अभी एक अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन मैनेज करना है। अब टाइम, अब यहाँ से हम सेटल्ड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ से हमें टाइम मेंटेन करना है कल तक के लिए, परसों तक के लिए, राइट? क्योंकि अब आप आगे पीछे होंगे तो अब होटल का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसका प्रॉब्लम होगा? हम लोगों का। अब थर्ड पार्टी मोटिवेशन दिया जाता है जो खोखले होते हैं, किताबी ज्ञान होता है, या रियलिटी पे डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इट्स अमेजिंग एडीपी, बिकॉज यहाँ पर जिस व्यक्ति ने, ऐसा व्यक्ति स्पीकर है आज का, जिस व्यक्ति ने अपना झोपड़ी से लेकर के महल तक का सफर और एक छोटे से किसान के बेटे से लेकर के और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है जिसका हम हिस्सा है, वो अपने एक्सपीरियंस खुद शेयर करने जा रहा है। क्योंकि मैं, ये मेरा मानना ऐसा है कि धीरू भाई अंबानी अपनी लाइफ के बारे में बेहतर बता सकता है, उसके बारे में श्रीकांत शर्मा बेहतर नहीं बता सकता। सक्सेस कैसे मिलती है इसके बारे में हमारे सीएमडी सर बेहतर बता सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अचीव किया। ये सर लोग, तो एक बार मैं आप लोगों से केवल यही कहूंगा कि अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े होकर के सीएमडी सर का इतनी जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। मैं एक चीज कहना भूल गया, डेडिकेशन की तो बात की, जैसे मैडम ने भी बताया कि हमारा स्टाफ कितना डेडिकेटेड रहता है,
डॉक्टर डीपी शर्मा जब कलकत्ता की मीटिंग थी उसी दिन उस एक दिन पहले रात को उनके बड़े ब्रदर एक्सपायर हो गए। 3 बजे उसको जाना पड़ा कलकत्ता से उनके गांव तक, स्मशान यात्रा हुई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट थी यहां आने की, गैंगटॉक आने की। मैंने फोन किया केपी शर्मा साहब को, वो साहब आपके बड़े ब्रदर एक्सपायर हो गए हैं, आपको ये मीटिंग ये एलडीपी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। क्योंकि रात को 3 बजे निकले, सुबह में पहुंचे, सुबह में यज्ञों की यात्रा खत्म की, करीबन उनका वहां गांव से घाट शिला से कलकत्ता का रास्ता करीबन 8 से 10 घंटे का है। लेकिन उसने बताया मेरे गांव को आपकी टिकट में कैंसिल करवा देता हूं, तो क्या नहीं सर ये यहां सब मैं मेहनत करूंगा, अग्नि संस्कार हो गया है, लेकिन जो मैंने वादा किया है ना कि एनडीपी में आऊंगा और ये हमारा जो प्रोग्राम उन्होंने शेड्यूल किया है ना उसको मैं मिस नहीं करूंगा। ये डेडिकेशन होना चाहिए, हम खुद नहीं कर सकते, हमारे घर में से कोई आदमी जो ध्यान रखता है वो पूरे जमीन को बात छोड़ के तो खाली एक ही चीज कि हाँ मैंने वचन दिया था ना, मैं बोला था, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा। जय बेनमोहन, जय बेनमोहन। और 30 सेकंड के लिए उनके बड़े पुत्र की आत्मा को शांति मिले, ऐसे खड़े खड़े हम प्रार्थना करते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं। सही है ना, अभी मैं आपके साथ 2-3 डिस्कस करूंगा, 5 मिनट भी कर लू, हो रहा है डॉक्टर साहब एक बार आओ, थोड़ा टाइम कमी है। आया हमारे लोगों से 137 वो बोल रहा है 149 राइट, तो कूपन सिस्टम कर दिया, अभी हमारे जितने कूपन जाएंगे उतने मेंबर्स हैं, समझ में आ गया। यही सिस्टम 2-3 दिन चलेगा। इसके अलावा आप बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। अब रहा रूम्स का, कई सारे रूम्स में 2 लोग से आप पहले से जानते भी हैं और रूबरू होने का शायद कम चांस भी मिला है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर डीपी शर्मा हम लोग मार्केट में रहते तो जनरली मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे लोग फोन से ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना, या आज एक आध दिन में देख लिया होगा, एक रेस्पेक्टिव अरेंजमेंट्स की जो हमेशा कंपनी की जिम्मेदारी रहती है उन्हीं के कंधों पे भार रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता रहा हूं। जब अरेंजमेंट्स की स्टेप्स सिस्टम्स की बात आती है हम लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसे कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कराए थे, आज हम यहां फंसे हैं पहले और भी कहीं फंसे हैं, तो धीमे धीमे हम सुधार करते जा रहे हैं राइट। शुरुआत करते हैं तो गलतियां तो होती हैं, तकलीफें भी आती हैं, और आपकी तकलीफों में हम लोग बराबर से शरीक हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आराम से सो रहे थे, ये सुनो ठीक है ना। तो मैं बुलाने जा रहा हूं सारे सीनियर लीडर्स, उनके साथ आएंगे सब लोग खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे मान्यवर, हमारे वाइस चांसलर स्वामी मिस्टर सूर्य विश्वकर्मा, वो करो पहली बार, वरना क्या हो जाएगा आपका आईडी नहीं रहेगा, वो उधर कोई दूसरा आईडी रहेगा और वो पूर्ण हो सकती है, फिर आप बोलेंगे सर मैं मेरे नीचे आएगी, तो पहली बार किसको ज्वाइन करना है क्योंकि बच्चा
बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसको सब कुछ केयर करना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पहले हम उंगली पकड़ के उसको क्या करते हैं, चलाना सीखते हैं। चलना जब सीख जाता है उसके बाद क्या होता है, वो उंगली बार बार छोड़ देता है और क्या करता है, वो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर हम उसको उठाते हैं। हमारे डाउन लाइन पे ऐसा किया है क्या, ऐसी केयर की है क्या? भाड़ में जाए छूट गया ना वो। और दूसरा हमारा एक सपोर्ट जो इस पे दे दिए, बस बस ठीक है, ठीक है, बस बस आप लोग बैठिए, बैठिए आप लोग बैठिए, बुलाओ बुलाओ। हमारे बीच में हमारे हृदय सम्राट आ चुके हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उनका स्वागत कैसे करना है। इसे ब्रू करना होता है, कितना मिनट ब्रू करेंगे, कितना ग्राम एक कप में डालेंगे, फिर जो तीन प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे एक ही चीज का तीन बार आपको देखना है, जजमेंट करना है एंड टू अंडरस्टैंड। जैसे ये ब्लैक टी है ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स का जो तीन ग्राम हम लोग डालेंगे कप में, उसको तीन मिनट के लिए ब्रू करेंगे, तीन मिनट ब्रू के बाद उसका लिकर निकाल लेंगे एंड फिर इसमें ये ढकनी में इसका इन्फ्यूज किया हुआ लीक निकाल लेंगे। तो जो एरोमा आपको यहाँ ड्राई प्रोडक्ट में आएगी वही प्रोडक्ट आपको एरोमा